झरिया विधायक व सत्तारूढ़ दल की सचेतक पूर्णिमा नीरज सिंह ने शनिवार को धनबाद नगर निगम के अधिकारियों के साथ झरिया ऐतिहासिक राजा तालाब सहित अन्य छठ तालाबों की साफ सफाई का जायजा लिया। झरिया सिंह नगर स्थित तेजन सिंह का तालाब, 4 नंबर स्थित माँ मंगला चंडी तालाब, आनंद भवन तालाब का निरीक्षण किया। यहाँ पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों से राजा तालाब के किनारे सभी स्ट्रीट लाइट को चालू करने का निर्देश दिया। इस दौरान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि छठ व्रतियों के लिए झरिया का राजा तालाब पहले से तैयार है, सभी छठ घाट सज धज कर तैयार है, साफ सफाई से लेकर रोशनी तक की चकाचक व्यवस्था है। प्रशासन और नागरिक तालमेल के साथ काम करे तो उसका परिणाम अलग ही शहर के घाटों पर दिख रहा है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर कोयलांचल के सभी प्रमुख नदी तालाब और घाट चकाचक सज धज कर छठ व्रतियों और श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। रविवार को अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। इधर झरिया थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि अर्घ्य देने के लिए प्रशासन, आम लोग और सामाजिक संस्थाओं ने मिलजुल कर साफ सफाई, रोशनी आदि की व्यवस्था कर दी है। जिन तालाबों में पानी की कमी थी वहां पानी भरा गया, जहां पानी ज्यादा है वहां बैरिकेडिंग व सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दर्जनों ऐसे जगह हैं जहां पर लोगों ने अपने स्तर से भी घाटों को सजाया है। एहतियातन प्रशासन द्वारा भी सभी प्रमुख घाटों पर कैसा लगा ये तो आप लोगों को बताना चाहिए। आप लोग जनता के बीच में रहते हैं, सबके बीच में रहते हैं। लोग जब यहाँ आएंगे, और मुझे पिछले वर्ष याद है कि अपरंपार भीड़ हुई थी यहाँ पर, उसमें एकदम इतने लोग थे और लोगों के चेहरे पे एक खुशी थी। मुझे याद है कि मेरे चुनाव के समय में मैं इसी रूम में खड़ी थी और तब लोगों का एक, मैंने पहली बार जो है यहाँ पर भीड़ देखी थी, तब से एक संकल्प लिया था कि यहाँ पर जो है इसको, राजा तालाब को अपने बदल के रहना है, इसका जो खोया हुआ गौरव है उसको लौटाना है। और आज बहुत हद तक हम इसमें सफल हुए हैं। और आप सब देखिए कि प्रशासन ने भी बहुत ही उम्दा काम किया है। जो अवेलेबल हमारे पास संसाधन है, जैसी यहाँ पर परिस्थिति है उसके हिसाब से समय से पहले जो है राजा तालाब आज हमारे छठ व्रतियों के लिए जो है तैयार है, यहाँ पर रेडी है। आप हमेशा देखेंगे कि साल भर पहले जलकुंभी भरी रहती थी यहाँ पर, आज साल भर हमारा राजा तालाब जो है ऐसे ही चमचमाता रहता है। तो प्रशासन को, नगर निगम को बहुत सारा धन्यवाद। हम सब व्यवस्था का पार्ट है, हम सब लगातार कोशिश करते रहते हैं इसके लिए। यहाँ के लोग भी जो हैं हमारे, जिन्होंने लगातार आवाज़ उठाई राजा तालाब को बनाने के लिए, उन सभी का धन्यवाद कि आज सबकी वजह से आज हमारा राजा तालाब इस स्वरूप में हमें दिख रहा है। और सभी छठ व्रतियों का यहाँ स्वागत है। हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। एक व्यवस्था यहाँ पे चेंजिंग रूम की थी जिसकी मैं बात कर रही थी, उसकी भी व्यवस्था कल तक अर्घ देते समय तक हो जाएगी।